नमस्कार दोस्तों, ये एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बजरी के दो चूजे निकले हैं, तो हमारे कॉलोनी के अंदर एक मटकी के लिए दो फीमेल के अंदर लड़ाई हो रही थी, और वो यही मटकी के लिए हो रही थी। तो ये मटकी के अंदर दो चूजे थे, जिसको थोड़ा मार भी लगा है सर को। जब मटकी के लिए फीमेल की लड़ाई होती है, तो उसके अंदर होने रहने वाले बच्चे वो भी जख्मी कर देते हैं। तो बच्चों को निकालना था, एक तो या तो जो फीमेल थी दूसरी उनको बाहर करना था, लेकिन मुझे वो फीमेल एग्जैक्ट पता नहीं थी कौन सी थी, तो उनकी एक्चुअल माँ कौन सी है। दो फीमेल की जो लड़ाई हो रही थी, तो मैंने फिर मटकी निकाल लिया, और मटकी निकालने के बाद फिर इनको हैंड फीडिंग करना पड़ेगा। लेकिन हैंड फीडिंग के लिए हमारे पास कोई हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं था। मैंने नागपुर में दो चार पेट शॉप जो होते हैं, बर्ड के जो पेट शॉप होते हैं, उसमें ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन कहीं मिला नहीं। तो हमने फिर सोचा कि चलो बर्ड को अपन सॉफ्ट फूड देते हैं, सॉफ्ट फूड में गेहूँ देते हैं भिगो के, और चना भी देते हैं, तो क्यों ना चने का आटा, मतलब चने की सूजी, ये सूजी बोल सकते हैं, चने का जो आटा और गेहूँ का आटा दोनों मिला के मिक्स करके इस तरह बना लिया, और इसमें न्यू 15 के दो ड्रॉप डाल दिए। तो ये न्यू 15 जो होता है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, डाइजेशन के लिए। तो जैसे हम ये चूजों को घर का खाना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं है, कल दिन भर ढूंढेंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आज जो बनाया हमने, ये चने के सत्तू और आटा मिला के, इसमें न्यू 15 डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि न्यू 15 डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, छोटे बच्चों के लिए देते हैं ये। तो चलो अभी जो हैंड फीडिंग बनाया, मतलब हैंड फीडिंग करना है, उसके लिए जो बनाया वो कैसे खिलाना है वो दिखाते हैं आपको। इसको देते ये बच्चों को आदत नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स फीडिंग कराते थे, तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन ऐसे चम्मच पकड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे ले लेते हैं, क्योंकि इनको ज़िंदा रखना है तो कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। ले रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी शुरू में ऐसे अगर हैंड फीडिंग पे लेते हैं कोई भी चीज़ों को, तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो आराम से ले लेते हैं। अब इनको ज़िंदा रखना है तो कुछ खिलाना पड़ेगा, कल तो हैंड फीडिंग फार्मूला देख लेंगे, और जैसे हैंड फीडिंग फार्मूला मिलेगा उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब हमने सोच लिया कि इनको पूरा हैंड टेम ही करेंगे, ऐसा कोई इरादा था नहीं हैंड टेम करने का, लेकिन ये कंडीशन ऐसी आ गई कि अभी इनको हैंड टेम करना पड़ेगा। और इसकी जो आगे का पार्ट है वो तो एक दो वीडियो में होगा नहीं, क्योंकि ये बच्चे जो है 15-20 दिन के लग रहे हैं, 15-20 दिन और 10 दिन इनको बड़े होने के लिए लगेगा। तो इनको तो कम से कम 10 दिन 15 दिन हैंड फीडिंग करना ही पड़ेगा। इसका आने वाला जो आगे का पार्ट है, आप ये पार्ट वाइज वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसका जो आगे का पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, इनका प्रोग्रेस कैसे खाते हैं, ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आराम से चम्मच से ले लेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, और चम्मच को ज़्यादा झुकाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा झुकाएंगे तो हो सकता है इनके नाक में चला जाए, नाक पे जाएंगे तो और प्रॉब्लम। इसके सर को जो मार लगा था वो ट्रीटमेंट के तौर पे थोड़ा हल्दी लगा दिया, जो घर में होता है हल्दी और तेल, सरसों का तेल लगाया हल्का, हल्दी मिला के, ठीक है।
बहुत मजा कर रहे हैं हम। अरे तरह हैंड वेडिंग होने के बाद इनका मुंह थोड़ा पोंछ लीजिए, और अभी इनको रखने का, जैसे यही मटके में रख देते जो मटके से निकाला था उनको। और इसको थोड़ा लाइट के नीचे रखेंगे। बाहर रखेंगे तो हो सकता है बाहर निकल के घूमेंगे पूरा घर भर, इसलिए मटकी के अंदर रख देते हैं। बाकी कल देखेंगे अगले अगले पार्ट में।